को होगी कांग्रेस की विस्तारित बैठक। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में बैठक होगी। कल दोपहर 3 बजे राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक होने वाली है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल होंगे। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। कल दोपहर 3 बजे राजीव भवन में बैठक होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है और इस बैठक के जरिए रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। कुमारी सैलजा और दीपक बैज इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, इसके साथ ही गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू इस बैठक में शामिल होंगे। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, कल कांग्रेस की विस्तारित बैठक होगी, क्या कुछ बड़े फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक दलों की बैठकें और राजनीतिक दलों की तैयारियां जो है वो लगातार चल रही हैं। कल की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की एक विस्तारित बैठक होने वाली है। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का दौरा और राहुल गांधी के जाने के बाद एक दूसरे दिन महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज और उनकी अध्यक्षता में यह पूरी बैठक होगी। दोपहर 3 बजे राजीव भवन में ये बैठक रखी गई है और बैठक में प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। ताकि इसके अलावा अलग अलग कार्यकारिणी, अलग अलग विभाग जो है वो भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। आगामी चुनाव के लिहाज से ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बैठक के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर सकती है और ऐसे में सूची जारी होने के बाद किसी भी प्रकार का असंतोष ना हो और आने वाले समय में चुनाव के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से कदम उठाना है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, गृहमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, इसके अलावा प्रभारी सचिव जो है कांग्रेस पार्टी के वो भी इसमें शामिल होंगे। तो चुनावी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। बिल्कुल अंकुश, और जिस तरीके से लगातार केंद्रीय नेतृत्वों का भी दौरा जारी है तो एक तरफ बीजेपी भी मिशन छत्तीसगढ़ में लगी हुई है, वहीं पर कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और ऐसे में जो तमाम बैठकें हो रही हैं इन्हें काफी महत्वपूर्ण माना जाए चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और वो युवा मितान सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश भर के युवाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, युवाओं को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा और उसके ठीक बाद यानी राहुल गांधी के रायपुर छत्तीसगढ़ से जाने के बाद एक बैठक रखी गई है, जिसमें बैठक में संगठन स्तर के तमाम पदाधिकारी, सरकार स्तर के तमाम पदाधिकारी जो इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आने वाले चुनाव में काम करेगी। बिल्कुल, चलिए अंकुश, अब देखने वाली बात होगी कि जो कल बैठक होने वाली है कौन कौन सी रणनीति बनाई जाती है और प्रत्याशियों की क्या सूची कल जारी होगी या फिर इसके लिए और इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ में